आज की वीडियो में बात करेंगे अफोर्डेबल कारों की जो 7 लाख रुपए तक के बजट में आपको मिल सकती हैं। ऐसी 10 कारों की बात करेंगे जिनकी माइलेज आपको 25 KMPL तक मिल सकती है। कोरोना के कारण लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने से इन दिनों कतरा रहे हैं और उनके मन में एक ही चीज़ हर बार आ रही है कि वो अपनी पहली कार को इस सही वक्त पर खरीद लें। और हो भी क्यों ना, जान है तो जहान है। तो आइए मैं आपको वही बताता हूँ 7 लाख रुपये के बजट में ऐसी कारें जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है और एक आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है इन सब कारों में। सो 10 से लेके नंबर 1 तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर होगी। सो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। हुंडई ने ग्रैंड i10 के अपग्रेड के तौर पर ग्रैंड i10 नियोस को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 5 लाख रुपए से है। 7 लाख रुपए के बजट में इसके 7 वेरिएंट चुने जा सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसके हर वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूअल एयरबैग्स विद प्री टेंशनर, ABS विद EBD मिलता है। हालांकि इसमें रियर पार्किंग सेंसर विद डिस्प्ले, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तब अभी तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो इतना क्रैश टेस्ट में क्लियर नहीं है कि ये सेफ्टी रेटिंग्स क्या मिलती हैं इस कार को। एलीट i20 लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाए हुए है। कार की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 6.5 लाख रुपये है। 7 लाख रुपए का बजट है तो कार का मैग्ना प्लस वेरिएंट ही आप चुन सकेंगे। 7 लाख रुपए का बजट है तो कार का मैग्ना प्लस वेरिएंट ही आप चुन सकेंगे, जिसमें 1.2 लीटर का ड्यूअल VT पेट्रोल है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से कार में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, स्मार्ट पैडल, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस कार को 3-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसके साथ ही 8वें नंबर पर किफायती 7-सीटर कार के तौर पर रेनो ट्राइबर भारत में काफ़ी पॉपुलर हुई है। कार में 7 लोगों के बैठने की जगह हमें मिल जाती है। ट्राइबर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपीज़ है। कार कुल 7 वेरिएंट में उपलब्ध है। 7 लाख रुपए के बजट में टॉप RXZ EZR वेरिएंट को छोड़कर 7 में से 6 वेरिएंट चुने जा सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से कार में ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, लोड रिमाइंडर विद प्री टेंशनर, स्पीड अलर्ट वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग अनलॉक समेत 2-साइड एयरबैग जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। फिलहाल इसका ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है। मारुति सुजुकी की बलेनो 7वें नंबर पर है। अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस की वजह से भारत में पॉपुलर है। बलेनो की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,63,000 रुपये तक है। 7 लाख रुपये के बजट में इसका सिग्मा, डेल्टा और जेटा पेट्रोल वेरिएंट आप चुन सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से कार के सभी वेरियंट ISO फिक्स, ABS, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में कार को 3-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। 6वें नंबर पर है हुंडई ओरा। कंपनी ने पिछले साल हुंडई एक्सेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पर ओरा को लॉन्च किया था। इस कॉम्पैक्ट सेडान की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 5.7 लाख रुपीज़ है। 7 लाख रुपए के अंदर इसका 1.2 लीटर कापा पेट्रोल, 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लेस ई और एस वेरिएंट आप चुन सकते हैं। स्पीड के लिहाज से कार के सभी वेरिएंट ISO फिक्स, फ्रंट ड्यूअल एयरबैग्स विद प्री टेंशनर, ABS विद EBD, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। फिलहाल इस कार का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। 5वें नंबर पर है होंडा अमेज। 7 लाख रुपए का बजट है तो होंडा की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान अमेज भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अमेज की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 6,17,000 रुपीज़ है। हालांकि 7 लाख के बजट में इस कार के ई मैनुअल और एस मैनुअल वेरिएंट ही आप चुन सकते हैं, वो भी पेट्रोल में, क्योंकि डीजल वेरिएंट की शुरुआत 7.63 लाख रुपीज से होती है। सेफ्टी के लिहाज से सभी वेरिएंट्स में ड्यूअल एयरबैग, ABS विद EBD, ISO फिक्स, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अमेज को अडल्ट प्रोडक्शन के लिए 4-स्टार और चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए 1-स्टार मिला था। 3रे नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। डिज़ायर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इस कॉम्पैक्ट सेडान की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 5.89 लाख रुपीज़ है।
7 लाख रुपए का बजट है तो इसका LXi और VXi वेरिएंट ही चुना जा सकता है। सेफ्टी के लिहाज से कार के सभी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी विद हिल होल्ड, ड्यूअल एयरबैग्स और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको 2 स्टार रेटिंग मिली थी। दूसरे नंबर पे है, टाटा ने प्रीमियम हैचबैक के तौर पर टाटा एल्ट्रोज को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपीस है। 7 लाख के बजट में इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, जिसमें 7 पेट्रोल, मैनुअल और डीजल वेरियंट आपको मिल सकते हैं। कार में एडवांस ABS विद EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक डोर अनलॉक, ड्राइवर एंड को ड्राइवर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इमोबिलाइजर, रिवर्स पार्किंग कैमरा समेत वॉइस अलर्ट, डोर ओपन जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। सो सेफ्टी के लिहाज से और सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से ये कार काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद नंबर 1 पर है हुंडई की वेन्यू। वेन्यू भारत की पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। इसकी शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 6.7 लाख रुपीस है, लेकिन 7 लाख के बजट में इसका सिर्फ बेस वेरिएंट ही आपको मिल पाएगा, जिसमें 1.2 लीटर कापा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल MPI ही मिल पाएगा। सेफ्टी के लिहाज से इसमें सिर्फ ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन एनकैप रेटिंग में से 4 स्टार रेटिंग मिली है। सो गाइस, सबसे ज़्यादा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 कार जो नज़र आ रही हैं, उनमें से 2 कार सबसे ज़्यादा सेफ हैं, एक टाटा एल्ट्रोज और उसके बाद वेन्यू। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।